हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देसूरी नाल में 50 यात्रियों से भरी बस पलटी, 20 यात्री घायल। आज संबंध और पाली जिले की सरहद पर देसूरी की नाल में 50 यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पंजाब मोड़ के समीप पलट गई। दुर्घटना में 20 यात्री गंभीर घायल हो गए, जिन्हें देसूरी अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार गुजरात के 50 सैलानियों से भरी बस राजसमंद से पाली जिले की तरफ जा रही थी, तभी देसूरी नाल में पंजाब मोड़ के पास बेकाबू हो गई और पंजाब मोड़ के पास ही बीच सड़क में पलट गई। हादसा होने के साथ ही बस में सवार यात्रियों में हाहाकार मच गया। हादसे की सूचना पर चारपुचा थाना प्रभारी भवानी शंकर मय जाब्ते के घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों को बाहर निकाला गया। उसके बाद 108 एम्बुलेंस से सभी घायलों को देसूरी व चारपुचा अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 3 गंभीर घायल हो गए। चारपुचा नाथ के दर्शन किए और उसके बाद परशुराम महादेव के दर्शन के लिए देसूरी होकर जा रहे थे, तभी देसूरी नाल में पंजाब मोड़ पर यह हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद कुछ देर तक राजसमंद व पाली जिले का आवागमन बाधित हो गया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। गोमती से ट्रैफिक को किया गया डाइवर्ट। सुबह हादसे के बाद राजसमंद से पाली जिले का रास्ता देसूरी में जाम होने के बाद गोमती चौराहे से ही ट्रैफिक को कामली घाट की तरफ डाइवर्ट किया गया। ब्रेक फेल होने से हादसा। गुजरात में अहमदाबाद से राजसमंद व पाली क्षेत्र के ब्रह्मण पर आए यात्रियों की बस के ब्रेक फेल होने की वजह से देसूरी नाल में पलट गई। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।